करिश्मा हमारी फोटो लो ना प्लीज। हाँ बच्चा। फोन शायद गाड़ी में रह गया। अन्वी बच्चा मेरा फोन कार में रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके ऋषभ तुम रुको मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं तुम रुको मैं ले आती हूँ, चाबी दे दो बस। अच्छा कहाँ है मेरा फोन? ये रहा। अरे अम्मा की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, अभी तो मिले थे। हेलो अम्मा। कौन? ये वसुधा श्रीनिवासन का नंबर है ना, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। हाँ उन्हीं का नंबर, बताइए। हाँ तो कहाँ है वो, बात कराइए। वो मयूरकुंज पुलिस स्टेशन में मॉल से कुछ सामान चुरा रही थी, हमने अरेस्ट किया उन्हें। क्या अरेस्ट किया? क्या बकवास है ये, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, बात कराइए आप। अगर आपको बात करनी है तो आप यहाँ आइए। लेकिन ये ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हे वेंकटेश्वरा, अम्मा को अरेस्ट किया, वो भी शॉपलिफ्टिंग के लिए। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, अम्मा इसीलिए मुझे फोन कर रही थी और मैं अपना फोन भूलकर चली गई। अभी जाती हूँ, अरमान को भी बताती हूँ। अरमान। प्रशा, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ तुम ऐसे? अम्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। व्हाट? अरेस्ट? क्यों? शॉपलिफ्टिंग के ब्लेम में। तुम बताओ ऐसा हो सकते क्या, अम्मा ऐसा कर सकती है? मुझे तो गलतफहमी हुई है, मुझे उनके पास जाना है। तो मैंने हमें मैं भी साथ चलता हूँ। लेकिन अन्वी। नहीं नहीं यहाँ आ गई है, मैं उन्हें बोल देता हूँ वो इसे घर ले जाएंगी। लेकिन ऋषभ अम्मा पापा को हमारी ज़रूरत है, वहाँ जाना ज़रूरी है। तुम रुको मैं नैनी को बोल के आता हूँ। सॉरी अम्मा, वो मेरा फोन कार में था। ये सब क्या है? ये सब क्यों अरेस्ट किया आपने मेरे अम्मा पापा को? आपको देख के लगता है मेरी अम्मा शॉपलिफ्टिंग करेंगी? हाँ क्यों अरेस्ट किया? मैम ये बिना पेमेंट के एक शर्ट अपने साथ लेके जा रहे थे, अनबिल शर्ट मिला इनके बैग में। एक सेकेंड, एक शर्ट? आपने इन्हें एक शर्ट के लिए अरेस्ट किया? और ये सीनियर सिटीजन से ये भी नहीं देखा आपने, ऐसे ट्रीट करेंगे आप इन्हें? देखिए हमने इनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया, ना इन्हें लॉकअप में डाला, तो हमारी ड्यूटी कर रहे थे। स्टोर से फोन आया था इसलिए इन्हें अरेस्ट किया। अरे आपके पास सबूत क्या है कि इन्होंने वो शर्ट ली थी? कोई कंफ्यूजन भी तो हो सकती है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कर्नल, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, पर ना ही जीपीएस की बात सुन रहे। क्या पता किसने वो शर्ट हमारे बैग में डाली है? सीसीटीवी फुटेज देखी आपने? फुटेज मंगाई हमने, आते ही चेक कर दे। मैं वेट नहीं करूंगी, मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ। ऋषभ तुम रुको मैं लेके आता हूँ। फुटेज आ गई, चेक कर दे। मुझे भी देखनी है। इंस्पेक्टर थोड़ा टाइम। जो कना ये वही लड़की है, इसी ने मेरे को फंसा है। देखा आपने? देखा मैंने कहा था ना ये किसी और का काम है, कोई तो गलत फहमी है। ये इस लड़की ने की है, ये सानिया दुबाश, ये वही थी, ये किसी स्टाफ पर हाथ उठाने वाली थी, मेरी अम्मा ने रोका इसे, इसलिए बदला लिया इस लड़की ने। आपको ड्यूटी करनी है ना, तो चलिए मेरे साथ। I'm sorry, आप लोगों को हमारे वजह से तकलीफ हुई, अब आप लोग जा सकते हैं, उस लेडी को मैं देखता हूँ। देखना ही पड़ेगा, आपको चाहिए तो मैं रिटर्न कंप्लेंट दे दूंगी। आप चलिए मेरे साथ, मैं जानती हूँ ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है।
ठीक है चलिए। मेरा मेरा फोन लीजिए, आपका फोन। चलो करना। चलिए तुम किचन में क्या कर रही हो? किचन में क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं ना, वही कर रही हूँ। मैंने सोचा वैसे भी तुमने आज तक मेरे हाथ का कुछ खाया नहीं है, तो ये रसम भी कर देती हूँ। वो एक रसम होती है ना, जब बहू नई बहू खाना बनाती है घर में, तो बस तुम्हारी माँ तो मुझे कोई शगुन देगी नहीं, तुम ही दे देना प्यार। मेरा मतलब है प्यार से, जो भी दे दोगे चलेगा। रुको कहीं बाहर मत जाना, 15-20 मिनट में रेडी हो जाएगा, फिर सर्व करती हूँ। स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है पास्ता, वेट करो। पंद्रह बीस मिनट तक के यही है, ये अच्छा मौका है इसका सामान चेक करने का, हो सकता है सारा अंश भाव का कोई क्लू मिल जाए। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।